का दिमाग? हरगिज नहीं, मैं इस झूठ में तुम दोनों का साथ नहीं दूंगा। तुम लोगों ने क्या यार शादी ब्याह को मजाक समझ के रखा है? प्लीज अंकल, मैं बहुत उम्मीद और आस से आपके पास आया हूं, मेरी बात मान जाएं। या डैडी प्लीज मान जाना, आपकी वजह से इस बेचारे का घर बस जाएगा। बेटा मैं कोई हाउसिंग स्कीम चला रहा हूँ जिसका घर बसाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हैं, यहाँ मेरी जान पे आई हुई और आपको मजाक सूझ रहा है? और खुदा मजाक आप कर अपनी जिंदगी के साथ। अंकल प्लीज मान जाए ना, आपने भी तो जिंदगी में किसी से प्यार किया होगा, मोहब्बत की होगी। हाँ की थी ना, मेरी मम्मी के साथ। सच कहो टीपू, तो तुम्हारी मम्मी के साथ सिर्फ कॉम्प्रोमाइज ही किया था। मोहब्बत तो मैंने बहुत पहले की थी, कॉलेज में हम साथ थे। इसका मतलब आपने मेरी मम्मी से प्यार नहीं किया था? प्यार किया था तो इस दुनिया में आए हो ना। हाँ ये भी है, तो फिर ये बी? माय फर्स्ट लव। तो फिर आपने उसे शादी क्यों नहीं की? करना चाहते थे हम, पर उसकी कोई मजबूरियां थी। फिर तुम्हारी माँ मिल गई, फिर वो भी इस दुनिया से चली गई, मुझे अकेला छोड़। तो अंकल आप क्या चाहते हैं, सारी जिंदगी मैं भी अकेला रहूं? प्लीज अंकल मान जाए ना, आपको आपको आपकी पुरानी मोहब्बत की कसम, बी की कसम। हाय कसम भी दी तो किसकी। ठीक है मैं तैयार, तुम शादी की तैयारी शुरू करो। थैंक यू सो मच अंकल, आपका ये एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है।